हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और वेलकम है आपका मेरा एक और नई वीडियो में। तो आज मैं जा रहा हूं अपनी वाइफ के साथ घूमने के लिए। अपने पास में, शहर के पास में एक जगह है भोगाली पोखर नाम की, और वहां मेरा एक फ्रेंड रहता है। उस फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको हमारा भोगाली पोखर कैसा है। ज़्यादा दूर तो नहीं है रानीखेत से, मतलब 27-28 किलोमीटर दूर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं भोगाली पोखर। और वहाँ पर को है पानी की एक छोटा सा झरना भी है बोलते हैं वहाँ पर को, तो हम आपको दिखाएंगे पानी का झरना। सो लेट्स सी। तो भैया, हम तो पहुंच चुके हैं भोगाली पोखर में, और मार्केट तो हम गए नहीं है फिलहाल। हम आए हैं यहाँ पर, एक स्विमिंग एरिया है, यहाँ पर स्विमिंग के लिए पॉन्ड बना हुआ है। तो आपको दिखाते हैं भोगाली पोखर का स्विमिंग पॉन्ड। बहुत सारे लोग यहाँ पर को वीडियो डालते हैं यहाँ स्विमिंग पॉन्ड का। मैंने सोचा आज मैं भी घुमाने के लिए लाया हुआ हूँ, घूमने के लिए आया हुआ हूँ, तो मैं भी डाल देता हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर का स्विमिंग पॉन्ड। ये है भोगाली पोखर का वो गाँव दिखाई दे रहे हैं सामने, पूरी भोगाली पोखर की मार्केट है। और ये है वो पॉन्ड जहाँ पर नहाते हैं सब लोग। जस्ट लाइक ये जो है, ये अल्मोड़ा रोड पे बना हुआ है। ये जो रोड गई है जहाँ पर लड़के चल रहे हैं, ये अल्मोड़ा को गई है रोड सीधे। तो भैया, गर्मी तो ऐसी हो रही है कि यार मैं खुद भी नहा लूँ, बट यार लोगों को देख के ना मेरा ही मन कर रहा है यार नहाने का। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं आपको कैसा होता है, ये कैसा नहा रहे हैं ये लोग। यार मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी नहा के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ओके। बहुत ब्यूटीफुल जगह है। मैं तो लास्ट टाइम आया था, मतलब आई थिंक मेरे ख्याल से 6-7 साल पहले आया था मैं यहाँ। तब उस समय तो ऐसा नहीं था, बट ये साल बहुत बढ़िया लग रहा है यार देखने में। ये है नदी और ये है भाई झरना छोटा सा। वो जो पहाड़ी दिखाई दे रही है सामने वाली, वो भरतकोट का टॉप है, द्रोणागिरी पर्वत के पास में है। द्रोणागिरी पर्वत जब हनुमान जी जब संजीवनी बूटी का पहाड़ लेके जा रहे थे, तो महाराजा भरत ने यहीं पर उनको तीर मारा था इसी जगह से। तो जो भी वहाँ जड़ी बूटियाँ थी वो थोड़ी बहुत वहाँ गिर गई, और ये जो जड़ी बूटियाँ हैं वहाँ आज भी बहुत सारी तादाद में पाई जाती है। मतलब
सारा ढेर सारा मजा आ गया है और हमारे साथ आ चुके हैं मंजिल जीरो किलोमीटर आ चुके हैं। जब आपको इतने बढ़िया तैराकी सिखाएंगे ना, चलो नीचे नीचे चलो भैया, चलो चले क्या ही तैयार रहे यार भाई लोग, तुम्हारे ऊपर जब मार दे रहे यार, बस का तो अपने बस का हुई थी ना उसी घरों में, इन लोगों ने तैरना सिखा दिया मुझे यार। इन लोगों ने मेरे को वहां से कूदना ही सिखा दिया है, नीचे से वहां से नीचे कूदना सिखा दिया है, जैसे ये कूद रहा है भाई। ये बहुत ठंडा पानी है, बाहर जाके ठंडा लग रहा है। ओ कूद मार दी नीरू बाबू ने, मैडम लगी है हमारी नदी में फुल एंजॉय के लिए। भाई क्या ही गहरा है, हम लोग को बहुत गहरा है यार पानी। डर लग रही है। डरने वाली कोई बात नहीं, आओ यार, इतना तो पानी है देखो इतना। हाँ मैंने देख लिया है, मैंने देख लिया कितना पानी है, मैंने देख लिया कितना गहरा वहाँ। तुम लोगों की साजिश है मुझे डुबाने की, कुछ नहीं होता। ठीक है चलो देखते हैं भैया, इन लोगों की तो पूरी साजिश है मुझे डुबाने की यार, बट मैं जाऊंगा नहीं, इससे लौट जाऊंगा वापसी। ये हम आ चुके हैं अब नहा धो के, और अब बहुत तेज धूप है तो अब भैंसों के नहाने का टाइम हो गया है और हम इसलिए वापसी आ रहे हैं। भैंसों को जो मजा आ गया है यहाँ तेज धूप में यार। गई भैंस पानी में। हाँ DSLR कहाँ ला यार, गई भैंस पानी में। सो आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो, तो लाइक करें, सब शेयर करें और सब्सक्राइब करें यार। आप लोगों के लाइक शेयर की वजह से ही हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे, तो यार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।